आपको पूछना क्या है? आप क्वेश्चन ही क्लियर नहीं कर रहे मुर्गियों को। मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एकदम स्पेसिफिक में पूछ रहे हो कि आप मुर्गियों की तरफ से हो या नॉनवेज की तरफ से हो। अब मुर्गी के लिए कि भी तुमको डेमोक्रेसी बनाना चाहिए। हमारे फेसबुक पे एक कॉमेंट आया था जिसने हमें स्ट्रीट इंटरव्यू करने की प्रेरणा दी, और उसके लिए हम अपनी फेवरेट जगह आए हैं, मैक्लोडगंज। आपके माँ बाप खाते हैं? नहीं। उनके माँ बाप? पता नहीं। पता करो। ये तो मेरा इंटरव्यू हो गया वैसे। ये वीडियो जो है हमारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों पे आएगा। चलेगा? चलेगा। कोई ऐसी बात ना पूछेंगे मेरे से? हम तो साधारण सवाल ही पूछेंगे आपके जवाब पे, बाकी तो ठीक। आपको लगता है कि आपको मुर्गियाँ खाने का अधिकार है? है। और आपको लगता है कि मुर्गियों को जीने का अधिकार है? वो भी है। इन दोनों में से कौन सा अधिकार आपको लगता है बड़ा है? मेरा अधिकार बड़ा है। ऐसा क्यों? आई वॉन्ट टू लिव। हमें भी जीने का अधिकार है। मैं अपने अधिकार को उनके अधिकार के ऊपर थोड़ा ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। ये तो साइकिल है ना लाइफ का। जैसे जो स्नेक्स हैं वो फ्रॉग्स को खा रहे हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है वो तो जंगलीपन, हाँ थोड़ा बहुत तो ऐसे ही रहता ही है इंसानों में। तो हम अपने जंगलीपन की वजह से मुर्गियाँ खा रहे हैं? मैं भी कहूँगा अब है, बचपन से ऐसे हम चले हुए, मतलब खा रहे हैं रोज़ वो वेजिटेबल्स खा के कभी कभी ऐसे बोर हो जाते हैं, तो फॉर अ चेंज कभी वीकेंड पे जब ऐसे लगता है कि थोड़ा कुछ टेस्टी फूड खाना चाहिए, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। मैं अगर हफ्ते में एक बार खा रहा हूँ तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि मेरा सोच। पर जिस एक चिकन को आप खा रहे हैं उसका तो प्रॉब्लम, उसका तो प्रॉब्लम है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उससे। 3 महीने में एक बार खा लो भाई खुशी के लिए, दैट इज़ फाइन। तो हमारे को जो रिजल्ट मिला कि मतलब साल के 4 हूँ मैक्सिमम। फूड चेन क्या कहती है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है। शेर क्या खाता है? घास तो नहीं खाएगा। हाँ पर आप शेर नहीं हैं। शेर जो है कभी ये नहीं कह सकता कि यार मैं वेजिटेरियन हो जाता हूँ। हमारे पास विकल्प भी हैं और हमारे पास विकल्प चुनने की क्षमता भी है। अगर नहीं खाएंगे मुर्गियाँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे लगता है सबके सर में एटलीस्ट 5 मुर्गियाँ बैठी होंगी। पॉपुलेशन तो अपनी भी बढ़ रही है ना। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उनका बर्थ रेट जिस हिसाब से है, उनका बर्थ रेट के हिसाब से वो हर जगह, फिर वो इंसान को चलने की जगह नहीं मिली। तो पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा, अकॉर्डिंगली चेक करूँ। मुझे पता है ये तो गलत है सरासर बात, क्योंकि मुर्गियाँ जो है फैक्ट्रियों में पैदा हो रही है ना, जो पोल्ट्री फार्म है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि हम लोग बेसिकली उसलिए बनाते हैं ना कि हम खाएं। मुर्गी को हमने उसको दर्द देने, काटने और खाने का है, उसलिए पाला है बोल रहा हूँ मैं। हमने क्योंकि बचपन से किसी को पिंजरे में पैदा किया है काटने के लिए, तो जो उसको अधिकार भगवान ने दिया है जीने का, वो अधिकार कैंसिल। तो मैं भगवान में मानता हूँ, पर अगर मैंने उसको पैदा करके उसको पाला करता है तो मेरा हक बनता है ना उस पर। जिंदगी सबकी है, चाहे उसकी छोटी है, सबको गिफ्ट की, चाहे उसकी छोटी है अपनी लंबी है, तो ये अपने ऊपर नहीं है कि अपन उसकी और छोटी करें। जो भी गॉड वगैरह है उसके हिसाब से हम जा रहे हैं। हाँ कर्मा, जो चलता है वो चलता है, ट्रेंड के साथ। इसके बारे में सोचा नहीं कि अधिकार है या नहीं। अधिकार की कोई बात नहीं है इसमें, चॉइसेस की बात है। आपको यदि कोई मार के खाए तो कैसा लगेगा? क्योंकि मैं ऊपर की पोजीशन पर हूँ, मैं नीचे उनकी पोजीशन पे नहीं हूँ, तो इसलिए आई डोंट माइंड। कभी कभी जस्ट फील्स फेयर कि हम उनका वो हक ले रहे हैं। प्लांट्स में भी तो जीवन होता है, तो जो प्लांट्स खाते हैं उनका क्या? आप प्लांट्स के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी भी के लिए भी नहीं हूँ संवेदनशील। आपको लगता है कि हर जानवर को जीने का अधिकार है? पर वेजिटेरियन हो नहीं पा रहे। होना चाहते हैं? नॉट रियली। हर आदमी हिपोक्रेट होता है, ठीक है। हर आदमी हिपोक्रेट होता है। उसकी एक साइड उसकी वैल्यूज अलग होंगी, एक साइड उसकी वैल्यूज होगी। मैं भी हिपोक्रेट हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ जानवरों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी खाता हूँ। मैं भी खाता हूँ। आप भी हिपोक्रेट हैं? सब हिपोक्रेट होते हैं। लोग मानेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करेंगे फिर भी। पर जो लोग शाकाहारी हो जाते हैं, जैसे वो शाकाहारी हो जाते हैं, वो सही है उनका, एटलीस्ट उनके पास विल पावर है ना कि कर सकते हो, तो अच्छा है। तो आप हिपोक्रेट हैं और आपके पास विल पावर नहीं है? मेरा मन कर रहा है इनकी, मुझे खाना है, तो प्रॉब्लम क्या है? इतना जी हमारे अंदर है, उतना जी उसके अंदर है। अब जो चीज़ बिकती है बाजार में वो तो खाएंगे, ना बिके तो नहीं खाएंगे। गवर्नमेंट इस पर कोई बैन नहीं लगा है। तुमको करना है, रूल स्ट्रिक्ट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए, ऐसा लॉ आ जाए कि मुर्गी को काटना नहीं है, मुर्गी को सिर्फ जीना है। तो सही बात भी आप तब करोगे जब उसके लिए कानून बनेगा। हाँ पर जब तक सरकार नहीं बंद करती, आप बतौर एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे कि यार मैं तो नहीं खा रहा, मैं प्रॉपर्ली मैं नहीं खाता हूँ। पर जब आप वो खाते हैं तो गलत करते हैं। एग्जैक्टली गलत है। फिर आप वो क्यों करते हैं, यही मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज अच्छा लगता है। 140 crores of people are there in India.
सो हाउ मच अवेयरनेस कैन यू क्रिएट बाई शूटिंग दिस और बाई टेलिंग दैट कि मुर्गी का भी जान है, मुर्गी का भी है? हम अगर ना खाएं तो वो कि मरना बंद हो जाएगा, यही बात है। मैं तुम्हारा बात मान गया, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। दूसरा बंदा छोड़ देगा क्या? आप तो बदल ही सकते हैं ना, आप अवेयर हो गए तो। ओके, मैं बदल सकता हूँ पर मुझे खाने में मजा आता है। क्या आपका मुर्गी खाने का अधिकार जो है? हाँ। मुर्गियों के जीने के अधिकार से बड़ा है? नहीं। तो जो मुर्गी का जीने का अधिकार है उसकी आप इज्जत क्यों नहीं करते? मुर्गी से भी अब कही हो कि अब जो मुर्गी काटता है उसका घर तो उसी से चलता है। तो हर बार आप चिकन खाने लगते हो आप ऐसा सोचते हो कि चल भाई किसी गरीब का घर चल रहा है मैं इसलिए चिकन ऑर्डर कर दूं? नहीं ना, ऐसे तो नहीं सोचते खैर, पर वही अपने टेस्ट की बात है, बस टेस्ट पे खाता आदमी तो, बाकी सब बहाना है। हाँ, बाकी सब बहाना ही है। तो आप शौक पूरा करने के लिए या जीने के लिए खा रहे हैं? शौक पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों? टेस्ट अच्छा लगता है। मॉरली तो आप देखो गलत है, बट मैं अपनी नीड्स प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। नीड्स या डिजायर्स? अब इतना सोच लेगा तो आदमी छोड़ ही ना देगा। आप नहीं खाते? तभी वकील बन गए आप। उनके लिए कोई तो बोलेगा, क्या करे, नहीं कोई तो बोले भाई दबे हुए वर्ग के बारे में कोई बात करेगा, है ना? जब हम दबे हुए थे महात्मा गांधी ने हमारे लिए बात करी तो आज हम आजाद हैं। एक दिन मुर्गियां भी आजाद होंगी। ईमानदारी पसंद आई मुझे आपकी, थैंक यू। तो ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, पर क्योंकि अपने स्वाद को दूसरों के अधिकारों से ऊपर रखना है और इस बारे में बुरा भी महसूस नहीं करना, तो ना समझ बने हुए हैं।